वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। भजन सिंह वॉकओवर लेना नहीं लेना। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार भारत के खिलाफ जीत नसीब होने पर पाकिस्तान सातवें आसमान पर पहुंच गया। बता दें कि रविवार को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के हार के बाद तो भैया पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मना रहे हैं। अब भारत में तो जश्न मन ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हाल सोचिए। जहां पर टीवियां तोड़ी जाती थी वहां तो ऐसा जश्न का माहौल है कि पूछिए मत। अब वहां पे जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो अपने बहके ना और कुछ ऐसा करे ना, ऐसा काम होने वाला था। जी हाँ, हम शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी जितने भी तमाम बड़े क्रिकेटर हैं इनको जानते हैं। किस तरीके से कश्मीर पर राग लापते रहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान जीता है उसके बाद तो ये बौखला गए। बौखलाहट में शोएब अख्तर ने ऐसी हरकत कर दी जिसको हम सबको उम्मीद तो थी ये कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि सरेआम आकर ऐसा कुछ करेंगे। जी हां, टीम इंडिया के हारने के बाद शोएब अख्तर ने उसके जले पर नमक छिड़का। इस कड़ी में शोएब अख्तर ने भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर्स हरभजन सिंह को निशाना बनाया, वो भी खुलेआम निशाना बनाया। इस मैच से पहले एक शो में हरभजन सिंह ने कहा था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कभी भी भारत का सामना नहीं कर सकती और ना ही टिक सकती है, और इसलिए पाकिस्तान की टीम को भारत को वॉकओवर मतलब बिना मैच खेले ही हार मान लेना चाहिए। हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर से कहा था, आप हमारे खिलाफ खेलोगे और फिर हारोगे, क्योंकि बाबर आजम कप्तानी वाली पाकिस्तान की जीत की कोई चांस ही नहीं है। हमारी टीम बहुत तगड़ी है, उड़ा देगी। हरभजन का बयान भी सही था, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार यहाँ पर भारत से हारता हुआ आ रहा था, लेकिन हमें कहाँ पता था कि भारतीय टीम में गुटबाजी शुरू हो जाएगी और भारत की हालत ऐसी हो जाएगी कि पाकिस्तान उसे 10 विकेट से हरा देगा। अब इन सबके बाद यहाँ पर शोएब अख्तर ने बयान दिया। शोएब अख्तर ने ट्वीट करके कहा, हरभजन सिंह से पूछो कि भज्जी अभी भी वॉकओवर चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं यार, रिलैक्स करो, इंजॉय करो, आपका भी दिन कभी आएगा। मतलब खुले आप हरभजन सिंह की बेइज्जती कर रहे हो, भारतीय टीम की बेइज्जती भी कर रहे हैं। यहाँ पर शोएब अख्तर की सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आई जिसमें खूब जश्न मना रहे, खूब हो हल्ला काट रहे। अब एक मैच तो जीत के गलती से ही है, यहाँ पर तो जश्न तो बनता है, लेकिन भारतीय टीम के ऊपर सवाल तो बहुत बनता है, क्योंकि आपने खिलाया किसे? हार्दिक पांड्या, ईशान किशन को बाहर, अश्विन को बाहर। मतलब जो आपकी गुटबाजी है, जो पहले चलता आ रहा है कि रवि शास्त्री, विराट कोहली की गुटबाजी चल रही है, इसके वजह से भारतीय टीम आगे नहीं बढ़ पाई और वही रिजल्ट आपके सामने आ गया। पाकिस्तान जैसी टीम जो वर्ल्ड कप में भारत के सामने टिकती ही नहीं थी, वन साइड हारती थी, उसने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।